ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖੋਲਦੇ। फैसला हम तो ये बेस्ट ब्लॉगर और इसे फ्री इनविटेशन आते हैं और हमें ये लिफ्ट नहीं करवाता और फ्री खाने पे भी जाता है उसे भी हमें लिफ्ट नहीं करवाता। मेरी रोमी और उसकी टीम से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पे आएं और अपनी शी रिसीव करें। मसला ये है कि आपकी तस्वीर कौन खींचेगा? ये जो आपको बाद में जितनी तस्वीरें नजर आएंगी उसके यही जिम्मेदार हैं, अच्छी के भी और बुरी के भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। दोस्तों आज के सीन्स जो है ना वो कुछ क्रेजी होने जा रहे हैं क्योंकि आज मैं आया हुआ हूँ ग्रैंड क्यूलियम मार्केट कैनाल रोड और यहाँ पे एक ग्रैंड इवेंट हो रहा है जो IEEE YPLC 2020 का है और आपका भाई यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक मीडिया कोलैबोरेटिव पार्टनर है और ऑफिशियल व्लॉगर है। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत मज़े का व्लॉग होगा, इन्जॉय करें। सबसे पहले तो मेरा अभी रिसेंटली हमारा फैसलाबाद सब सेक्शन बना है तो एक न्यू डेजिग्नेशन है मेरा, मैं फैसलाबाद सब सेक्शन का एमडी चेयर भी हूँ। अच्छा, उसके बाद अब जितना भी ये काम हुआ है, ये आप जैसे स्टूडेंट से, ये भी हमारा स्टूडेंट है बिल्कुल, और ये छोड़ गया क्योंकि मैंने इसे बाल कटवाने का कहता था बाल नहीं कटवाए, बड़ी प्यारी है। तो हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं हमारी एक यंग लीडरशिप, टेक्निकल लीडरशिप। यंग लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर रोड्स पे जाके नारे लगाने शुरू कर दो, ये लीडरशिप है। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने इतने पीछे 200 लोग इकट्ठे कर लिए हैं और आप कह रहे हो कि ये 200 लोग मुझे वोट करेंगे और मैं लीडर हूँ। यंग लीडरशिप आती है आप टेक्निकल लीडरशिप में आओ, आप दुनिया को कुछ नया दे रहे हो, आप सोसाइटी को कुछ नया दे रहे हो, अपने फेलोज को कुछ नया दे रहे हो, आप सर्व कर रहे हो, ये लीडरशिप होती है कि आप अपने साथ आपने एक टीम बनाई है और आप उसे सर्व कर रहे हो बाकी लोगों को, आपकी बाकी लोग आप सीखते हैं और वो बाकियों को सर्व करते हैं। सेम रोमियो, ये हमारा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा काम करता था, उसके बाद में व्लॉगिंग स्टार्ट की, अपना काम स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त जो है पाकिस्तान के बेस्ट व्लॉगर्स में होगा इंशाल्लाह। वही सुन फैसला हम तो ये बेस्ट व्लॉगर और इसे फ्री इनविटेशन आते हैं और हमें ये लिफ्ट नहीं करवाता और फ्री खाने पर भी जाता है उसे भी हमें लिफ्ट नहीं करवाता। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने लिए हर कोई करता है, दूसरों के लिए करना स्टार्ट करें, दूसरों को सिखाना स्टार्ट करें। It's just sneaking slow and discreet. Loving someone is not easy, you know, but it makes us feel alive. So we go with the flow. Just love me harder, have no mercy on me. Just tell me louder if you're loving me. Just love me harder, have no mercy on me. Tell me louder if you're loving me. यार नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वियाने में। शहर की पहचान हमेशा नॉलेज एक्यूमन हुआ कहता है और मुझे फ़ख्र है कि जिस चीज़ पे मैं आफ्ताब को कहता था ये हो नहीं सकता, आफ्ताब ने वो कह के और उसके ऊपर 200 कह के मुझे कहे एलो जी। हजूर, जब आप पाकिस्तान पहाड़ियों के सिलसिले से दाखिल होते हैं तो अस्कॉलिया पहले और यहाँ से जाते हुए नॉर्थ में अस्कॉलिया आखिरी गाँव है, उसके बाद ह्यूमन लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट और हमें ये लगता है कि ज्ञान हमेशा ऊपर से नीचे आता है, तो इसलिए हमने कंपनी का नाम अस्कॉलिया रखा है। यहाँ पे अभी तक लोग कहानियाँ सुनाते हैं, फ़ोन नहीं आया अभी तक, भेड़ियों और बकरियों को रास्ता लोग बताते हैं। सो दैट इज़ व्हाई वी वांटेड दिस नेम। सलाम अलैकुम। सलाम, कैसे हो? आप सुनाओ। My name is Mir Muhammad Ali Khan. I'm an investment banker. I used to run an investment bank on Wall Street that I founded at the age of 29. I'm in Pakistan now, which is Los Angeles. Or this is the third IEEE event I have attended. और इसलिए ख़ास तौर पर मैं लाहौर से फैसलाबाद इसलिए आया कि इन बच्चों को मोटिवेट किया जाए, क्योंकि ये जो इंजीनियर्स हैं ये लिटरली आई बिलीव के इनोवेशन के हब में बैठे हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, प्रोडक्ट एनहेंसमेंट, इतनी बड़ी फील्ड है ये इंजीनियरिंग की कि पाकिस्तान में अगर टीम्स बना के भी बच्चे काम करना शुरू करें तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोटोटाइप बनाना बकदर सस्ता है बनिस्बत मगरबी ममालिक के। तो दैट्स द रीज़न आई केम एंड आई विश IEEE एंड ऑल इज पार्टिसिपेंट्स स्पेशली द 2200 चिल्ड्रन हु केम फ्रॉम एवरीवेयर। ऑर्गेनाइज करना इवेंट बहुत बड़ी बात है मगर वो जो बच्चे हर जगह से आए हैं
That is amazing. So I'm very, very happy. मेरा नाम फरहान तुफैल है जी. मैं एक CEO हूँ टेक कंपनी इन्विक्टस सॉल्यूशंस, और इस इवेंट को स्पॉन्सर भी किया है हमने, और साथ में जनरल सेक्रेटरी हूँ सोसाइटी ऑफ आईटी प्रोफेशनल पाकिस्तान का, और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हूँ रहा हूँ फैसलाबाद आईटी कंपनी जो जितने सॉफ्टवेयर हाउस हैं फैसलाबाद के, इसका फाउंडर भी हूँ, और सेकेंडली मैं प्रीवियस प्रेसिडेंट भी हूँ, और हमने इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए यहाँ पे काफ़ी हेल्प की है, और एक स्टार्टअप की कमेटी है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ, और यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है, फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी, उसमें मैं मेंबर भी हूँ कॉर्पोरेट एडवाइजरी काउंसिल का, जिस जो करिकुलम पे भी काम करती है, और सेकंडली मैं कुछ और भी पोर्टफोलियो हैं जिसमें हम इकोसिस्टम्स को बिल्ड करने के लिए काम करते हैं. सर और क्या क्या करना चाहते हैं? मतलब माशाल्लाह इतना अच्छा आपने अपना अपने बारे में आपने रिप्रेजेंट किया है, और क्या करना चाहते हैं आप? इंशाल्लाह 1K पे भाई हमें ट्रीट भी दे रहे हैं. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और होने वाले हैं, थोड़े से रह गए. हमारे साथ यहाँ पे फीमेल वर्जन में पबजी प्लेयर भी मौजूद है. क्या कहना चाहोगी अपनी पबजी की जर्नी के बारे में? विनर विनर चिकन डिनर. लास्ट इवेंट भी हमारा ही था, हम अपने रिकॉर्ड तोड़े फिर से, और इंशाल्लाह यहाँ से स्टूडेंट्स बहुत कुछ गेन करेंगे. आपके बारे में यार रोमियो का स्वैग है, स्वैगी बंदा है. यहाँ पे देख लो, वहाँ पे देख लो, वहाँ पे भी है रोमियो. अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद हमजा हेयर, और मैं इस कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटरी भी हूँ, IEEE लाहौर सेक्शन, YPE जनरल सेक्रेटरी. कहना इतना ही चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजर्स की मेहनत है, उनकी लगन है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है. ठीक है, तो सबके लिए ढेर सारी दुआएं कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट करवा लिया, और इनको इंशाल्लाह इससे भी बड़ा फैसलाबाद को एक इवेंट देंगे इन नेक्स्ट ईयर्स इंशाल्लाह. इंशाल्लाह भाई क्या मतलब चाहते क्या आप लोग? हम आपको चाहते हैं कि आप अंदर आ जाए भैया आपको. थैंक यू. देखा देखा ये होता है प्यार. नहीं ये भी होता है, ये देखो. जुबैर, इम्तियाज भाई, काशिफ भाई, नुमान भाई, अस्लान भाई और हसान भाई, ये मेरी टीम है. पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, और कम से कम 2000 या शायद 2000 से ज़्यादा बच्चे, स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, लोग आए हुए हैं. हमारे दोस्त सभी भाई भी हैं. अहमद खाकान भाई. मेरा नाम काशिफ बशीर है, आई एम चेयर ऑफ IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी. ओके, आप क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? मेरे ख्याल में दिस इज़ द बेस्ट इवेंट एंड द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इस इवेंट में 2000 प्लस जो है ना वो यंग प्रोफेशनल्स हैं, उसके अलावा बड़े अच्छे स्पीकर जो हैं वो अवेलेबल हैं, और उसके अलावा IEEE लॉ सेक्शन के अंदर जितने भी चैप्टर्स आते हैं वो टेक्निकली स्पॉन्सर कर रहे हैं इस इवेंट को. अभी मैं जो प्राइवेट एरिया में हूँ ना, यहाँ पे सारी शील्ड्स वगैरह और सर्टिफिकेट्स वगैरह पड़े हुए हैं. आपको एक चीज़ बताऊँ अभी? लुक व्हाट आई फाउंड दिस. ये जी कुछ मेहनती खवातीन हैं, ये फ्रेम्स अलहदा कर रही हैं और उसमें सर्टिफिकेट्स लगा रहे हैं. कीप इट अप यार. सूरत हाल ये है कि अंदर अभी भी जो है वो स्पीच चल रही है, तो उसके बाद पैनल डिस्कशन है, उसके बाद कुछ और गेस्ट स्पीकर्स की स्पीच होनी है, और उसके बाद कहीं पे जाके एंडिंग सेरेमनी होगी, देन खाना होगा. खाने की जो है ना वो इस टाइम अशद ज़रूरत है, क्योंकि टाइम जो है वो तकरीबन 2:30 तक बज रहे हैं और 4:30 बजे लंच होगा. आज का इवेंट बड़ा एक तारीखी इवेंट है. आज फैसलाबाद ने ये साबित कर दिया है कि हम एक नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं. जिस तरह स्टूडेंट्स ने आज पार्टिसिपेशन किया है और जिस तरह से ये टीम ने इस इवेंट को पुट टुगेदर किया है, तो आई एम रियली फीलिंग प्राउड टू बी चेयर ऑफ IEEE फैसलाबाद सब सेक्शन. आज का जो इवेंट है वो इख्तिताम की तरफ आता है, और अभी जो है वो शील्ड सेरेमनी चल रही है, इसके बाद एंडिंग सेरेमनी होगी, तो फिर लंच होगा और उसके बाद इवेंट खत्म. पूरे IEEE YPLC के इवेंट की जो बैकबोन है ना वो ये सारी मैनेजमेंट टीम है जो इस टाइम स्टेज पे मौजूद है, जिन्होंने दिन रात दुगनी और चुगनी मेहनत की है. ये तकरीबन 150 बंदे हैं. जिसने कहना है ना शफीक अहमद रोटी खोल दे, वो बंदा ही सबसे अच्छा है. खाना सबको मिलेगा, खाना सबको मिलेगा. चलिए स्कूल से उठना है, स्कूल से उठना है आप लोगों ने. फाइनली वो मरहला आ गया है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, और क्योंकि खाना खुल चुका है. हमारे साथ एक प्यारी सी खातून है, हिफ्जा मारिश,
आपसे लास्ट ईयर मुलाकात हुई थी साइबर सिक्योरिटी के इवेंट पे, तब के इवेंट में और अब के इवेंट में क्या चेंजिंग फील कर रही है मुझ में अच्छा आई थिंक वन थिंग इज दैट कि ग्रूमिंग बहुत सबकी हुई है, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट ग्रूमर्स, आई थिंक विद एवरीवन दैट आई हैव सीन कि ग्रूम बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, देयर पॉलिश, देयर स्किल, दे आर मोर रिस्पांसिबल देन द लास्ट टाइम. और वैसे भी लास्ट ईयर मैं जस्ट फोटोग्राफर था और इस मरतबा मैं फोटोग्राफर प्लस यूट्यूबर हूं. राइट, कहना मैं ये चाहूँगी कि आपके YouTube के चैनल को लोग जब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दे कैन शेयर एज मच एज दे कैन. इफ़ यू वांट अस टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ योर वेंचर, वी विल लव टू डू दैट. थैंक यू. ग्रुप फोटो वाला काम तो जी हो गया कैंसिल, क्योंकि बाहर जो है वो पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं. और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. सीएम आनंद. और जाते जाते मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा IEEE YPLC का और मेरी पूरी टीम का. जब आप किसी ऐसी जगह पे हो ना जहाँ पे कोई रिफ्रेशमेंट का सीन ना हो, तो ये पापड़ों से जो है ना आपको रिफ्रेशमेंट करनी पड़ती है, और ये सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं.